बिंग बैंग बिंग बिंग बैंग। तो बहुत टाइम से ब्लॉगिंग बंद है क्योंकि कुछ बिजी था मैं। आज से चालू करेंगे और अभी तो मैं इंडिया में हूँ पर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं वो शायद कहाँ जा रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। आज का दिन तो ऐसा लग रहा है हर चीज़ मैं आखिरी बार कर रहा हूँ इंडिया में। जिम गया मैं सुबह सुबह उठ के, अभी खाना खा रहा था, नमाज भी हो गई। पैकिंग बताऊंगा मैंने पैकिंग क्या क्या किया और एक जन को क्या क्या पैक करना चाहिए जब एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तो वीज़ा आ गया है, टिकट आ गई है, अब बैग बताऊंगा मैं। हैंडबैग अलग और लगेज अलग। लगेज में कुछ 23 to 25 kgs अलाउड है, मेरा उतना लगेज है, 15-16 किलो लगेज है ताकि आने के टाइम कुछ लेके आया तो हो जाएगा, 5-10 किलो भर जाएगा। आने के टाइम 30 किलो अलाउड है और हैंडबैग तो वही 6-7 किलो। देखते आगे के इसमें कि क्या क्या पैक किया। ये जिम के जूते मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फट चुका है, कहाँ कहाँ से टूट चुका है। अब जा रहा हूँ मैं बाहर तो इसको फेंक दूंगा, बस हो गया। चलो देखते हैं कि मैंने क्या क्या पैक किया। ये जिम का बैग मेरा हैंड बैग रहेगा और ये मेरा लगेज है। शर्ट्स हो गए हैं, जुम्मा की नमाज के लिए भी हो गया है, ट्रैक्स भी हो गए, ट्रैक तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, और ये जैकेट क्योंकि ठंडी है वहाँ नेक्स्ट मंथ से, टॉवेल, फिर ट्रैक, फॉर्मल्स, अंडरगारमेंट्स, जीन्स। यहाँ पे मेरा थोड़ा शूज़ है, इसमें भी शूज़ है, इसमें सब ब्रश, कोलगेट, ये रैली स्प्रे, और मम्मी नहीं दिए, बोले ये संभाल के रखो कुछ हो गया कपड़ों को, तो सिलाई आती तो है नहीं, क्या करेंगे लेके जाके। ब्रश, थोड़ी दवाई, घड़ी, सर्दी खांसी बुखार, कैल्शियम, मेरा प्री वर्कआउट, वहाँ पे भी जिम है, जिम का थोड़ा सामान, इसमें भी दवाई और ऐसी सब चीज़ें, ग्लूटामाइन भी बचा था वहाँ जाके ख़त्म कर दूँगा। बस ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है, सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा पेपर वर्क दे दूँगा, सब बराबर है कि नहीं। कोरोना टेस्ट, थर्ड डोज भी ले लिया मैंने, बूस्टर, तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, अब सब ठीक। मेरी फिजिक अपडेट, अकेले ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, श्रेड हो गया मैं, थोड़ा साइज गेन करेंगे। कुछ दिख रहा भी नहीं इसमें तो, क्योंकि नो लाइटिंग, नथिंग, ऐसे भी नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। दोस्त लोग से मिलने आया था, वो तो ओपनिंग तो कर दिया, दोस्त लोग से मिलने आया था और लग मेरे को पेट शॉप पे लेके आ गए, पूरी पसीना पसीना। दोनों बिल्लियों को कैसा काटे बताता हूँ, एक और वो काट रहे, ये शांत है, कुछ नहीं, अभी ठंडी आएंगी और मजा आने वाली। एक यहाँ पे पूरा नेकेड हो चुका है, अल्लाह, इसने बहुत परेशान किया, पसीना पसीना हो गया मेरे को इसको कटाते कटाते।
वो तो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए शैम्पू लूंगा मैं, वही शैम्पू जिसको मिलना होगा। सुनो तो ना, मुंडी ऊपर नहीं आना चाहिए उसको। टाइट पकड़ और स्ट्रेच कर। हाँ तो का इधर भी दिखा। नागर मत लगा ज्यादा तुम्हें से। एक का खत्म हुआ, दूसरा चार। शान बैठा हो गया बोले अभी। कुत्ते का बच्चा नहीं लग रहा है, छोटा लग रहा है भाई। पढ़ाई का चलेगी जेल में। पढ़ना तो चाहिए ना, पढ़ना ही। जेल में पढ़ाई चलती है, अलाउड है। उसके डैडी बात हुई ना, तो डैडी बोले, बोला मैं उसको की पढ़ाई कर। आ रहे थे तभी अपन कतर ही उतरे थे ना। कब? सऊदी से अपन आ रहे थे या जा रहे थे? नहीं नहीं दुबई होके गए, जब तक तो दुबई से गए। कौन सी फ्लाइट है? टर्मिनल टू पे ना। हाँ यही में दो ही लिखा है। हाँ फ्लाइट कौन सी? हाँ मम्मी बैठे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जाएगी एक डेढ़ घंटे बाद। 4:30 की फ्लाइट है और 12:30 से अपने यहाँ पे। सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट। एक्सक्यूज मी बोल के जा रहे लोग। गेट 71 में जाना है सीधा सीधा। टाइम नहीं अपने पास, चलते चलते और आगे जाएगी। आज तक कभी मैं स्टारबक्स नहीं गया, पर मैंने यहाँ से पहली बार स्टारबक्स से कॉफ़ी लिया हूँ। उसको मैंने जयराजपुरी लिखने बोला, जो कि स्पेलिंग सिर्फ ए के अल्फ़ाबेट गलत है, क्योंकि वो आमिर की स्पेलिंग नहीं लिखवा रहा था और जयराजपुरी के बराबर लिखा। वाओ चालू करेंगे।